हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आप सभी के साथ अवनी चौधरी। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसी स्टोरी जिसने इस दिनों वेब सीरीज की इंडस्ट्रीज में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों के अंदर इस स्टोरी को लेकर ऐसा पागलपन देखने को मिल रहा है कि हर कोई अपनी बिजी लाइफ से वक्त चुरा कर इस वेब सीरीज को देखने के लिए मजबूर हो गया है और अधिकतर लोगों के मुँह से तो इसके चर्चे भी सुनने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आप सभी का इंतजार खत्म होता है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर वेब सीरीज की, जिसका इंतजार लोगों ने बहुत ही बेसब्री के साथ किया है। मिर्जापुर वेब सीरीज का जुनून लोगों के अंदर इस कदर देखने को मिला है कि जितना पहले के वक्त में बाहुबली 2 मूवी रिलीज होने पर देखने को मिलता था। ये पूरी कहानी मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने के ऊपर बेस्ड है। इस स्टोरी में मेन रोल मुन्ना भाई का है, जो कि कालीन भाई का बेटा है। इस कहानी में गुड्डू मुन्ना भाई का फ्रेंड होता है, जो कि स्टोरी के एंड पार्ट तक पहुंचते पहुंचते उनका दुश्मन बन जाता है। इसके अलावा भी इस वेब सीरीज में और भी कई किरदार हैं। आपको बता दें कि इस स्टोरी में काफी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी लोग इसको देखने में काफी रुचि लेते हैं। मिर्जापुर स्टोरी के पार्ट 1 का एंड शादी समारोह में मुन्ना भैया ने अपने पहले प्यार, जो कि गुड्डू पंडित की वाइफ हुआ करती थी, उनको और गुड्डू के भाई को मारकर किया था। इसके बाद लोगों ने मिर्जापुर पार्ट 2 का इंतजार बहुत ही बेसब्री के साथ किया था, जो कि पूरे 2 साल बाद पूरा हुआ है। मिर्जापुर पार्ट 2 में गुड्डू पंडित ने मुन्ना भाई को मारकर मिर्जापुर की गद्दी पर अपना राज जमा लिया था, जिसके बाद इस कहानी में और भी ट्विस्ट उत्पन्न हो जाता है। अब देखना ये होगा कि जब मिर्जापुर पार्ट 3 रिलीज होगा तो उसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तो इस वेब सीरीज में कालीन भैया का भूकाल देखने को बचता है, जो कि हमें मिर्जापुर पार्ट 3 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंत की लड़ाई में कालीन भैया के जख्मी होने के बाद क्या कालीन भैया बच पाते हैं या नहीं, या मुन्ना भाई की वाइफ सीएम माधुरी यादव अपने पति की मौत का बदला लेंगी या नहीं, ये तो सिर्फ हमें मिर्जापुर 3 में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देखना मत भूलिएगा मिर्जापुर 3। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।